हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त है। और मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस है और संडे भी है और राहुल की छुट्टी भी है। तो हमने देखा है थोड़ा, मतलब गाँव गोवा में जो है यहाँ पे क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि कैसा मतलब होता है यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग बाहर भी जा रहे हैं और देखेंगे, और एक दो चर्च भी जाएंगे क्योंकि हम चर्च पहली बार जा रहे हैं। तो देखेंगे कैसा रहता है आज का। और मैं आज क्रिसमस है तो मैंने उसके हिसाब से ये सोचा था कि मैं रेड ड्रेस पहनूं, और बाय चांस मेरे पास रेड ड्रेस है तो आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये रही मेरी ड्रेस जो कि मैं पहनने वाली हूँ। लॉन्ग ड्रेस है, वन पीस। और फिलहाल अभी धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब लग रही है, इतनी तेज़ धूप है। तो तब तक हम लोग तैयार हो जाते हैं, क्या पता शायद धूप थोड़ी कम हो जाए, मगर हम पिछले बार जैसा नहीं करेंगे क्योंकि तब हमें बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था और हम कहीं जा भी नहीं पाए थे। अभी तो खैर हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बस घूम रहे हैं गोवा को कि कहाँ कहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है और कैसी डेकोरेशन करी है, तो हम उसको देखने के लिए बेसिकली जा रहे हैं। हम गोवा आए हैं तो फिर यहाँ पे न्यू ईयर और क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो हम भी देखना चाहते हैं ना कि कैसा रहता है। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम भी चलते हैं बाहर पे। तो चलते हैं, रेडी होके फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं, हम रेडी हो चुके हैं। मैंने ये ड्रेस पहनी है आज। चलो, अब मैंने, मुझे पता है इस ड्रेस में ये वाले खुले वाले बाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मगर मैंने ये स्लिक किया है। पता नहीं क्या ही होगा, मैं शर्मा आ गई। मैं तो मैंने इसलिए ऐसे बाल बनाए क्योंकि गर्मी फिर लगती है बहुत ज़्यादा और हम शायद चलना भी पड़ेगा, तो इस वजह से भी मैंने बाल ऐसे रखे। चलते हैं, कुछ रील्स बनाएंगे, कुछ घूमेंगे, बाकी देखते हैं। चलो, तो हम लोग निकल गए हैं। हम लोग वैसे पंजी जा रहे हैं क्योंकि पंजी में थोड़ा शायद अच्छे से सेलिब्रेट होता है, आई थिंक। तो वहीं जाके पता चलेगा बाकी। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, धूप भी थोड़ा कम है, अभी हवा भी चल रही है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। चलते हैं। ये तो यहाँ का मतलब छोटा सा चर्च है, तो शायद आज सारे चर्च में ही ऐसा देखने को मिल सकता है। तो इट्स काइंड ऑफ मजेदार। चर्च में तो पहुंच गए यहाँ पर, मगर बंद है यार।
आए थे मगर ये चर्च बंद है, और जितना भी हम सर्च कर रहे हैं ना सब बंद ही है। बताओ आज क्रिसमस है और चर्च बंद है, तो हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें अब। कौन कोई सा भी नहीं खुला? ट्राई तो करो, ट्राई करो ना फिर। मगर भीड़ बहुत ज़्यादा है, दिखा दो। मैं सोच रही थी कि एक दुकान है ना यहाँ से, मुझे कौन झांक रहा है, मतलब मेरे को ऐसा लगा। अभी मैंने क्या देखा ये तो ये डमी मुझे झांक रही थी। तो फिलहाल हम अभी किसी और चर्च में जाने का ट्राई कर रहे हैं, अगर वो खुला होगा तो। कुछ है भी होगा भी उसमें, कुछ थोड़ी ना होगा उसमें। इतने सारे गिफ्ट रखे हैं मेरे सामने और धूप से उनका कलर फेड हो चुका है। क्या हम इसे उठा सकते हैं? क्या आपको लगता है हमें उठाना चाहिए? तो ये जो सामने मेरे चर्च है ना, इसका नाम सेंट जेवियर ऐसे करके है, और ये मतलब पादरी टाइप के होते हैं ना यहाँ पर, तो उसी के नाम से इस चर्च का नाम रखा गया है। और ऐसा कहा गया है कि इसके अंदर एक मम्मी है ना, मतलब वही उसी की बॉडी रखी हुई है, तो उसके नाखून अभी भी बढ़ते हैं, ऐसा कुछ कहा गया है। तो और अभी तो बंद है यार, हम लोग भी देखने जाते, मगर किसी दिन पक्का देखने के लिए जाएंगे, उसके नाखून देखने के लिए भी सकले कि बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, कितने हैं। तो फिलहाल तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा यार कहाँ जाए, सारे चर्च बंद है, आज के दिन सारे चर्च बंद है यार, बताओ। और यहाँ पे यार गिफ्ट रखे हुए हैं, एक ले जा लूँ, मेरे को तो ऐसा हो रहा है किसी में क्या पता कुछ हो। सब लोग देखते हुए जा रहे हैं, वैसे तो कुछ भी नहीं होगा, बॉक्स ही होंगे सारे। तो अभी देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। अपनी रील्स की वीडियो शूट करने के लिए, मगर लोग बहुत ज़्यादा हैं यार, राहुल तुम समझ नहीं रहा, अभी देखो वो भी उठ गई हैं वो लड़कियाँ, वो भी अंदर ही घुसेंगी अंदर। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहीं और, देखते हैं वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और मैं बना नहीं पा रही हूँ। और फिर सेकेंड प्रायोरिटी हम ये रख रहे हैं कि हम मूवी देखेंगे आज, मॉल में जाके देखते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छे से डेकोरेशन वगैरह हो रखी होती है। तो मूवी देखने का सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल, अभी कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं बाद में जाके, अभी तो चलते हैं। तो अभी फाइनली हम दोबारा से मॉल में, आप लोग भी सोचते होंगे हर बार मॉल में क्यों चले जाती है, मॉल में क्यों चले जाती है, और बाहर हमें कुछ दिखने को मिला ही नहीं। और अभी मॉल में काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन किया, और फिर हमने ये भी सोचा कि हम लोग मूवी भी देख लेते हैं, अवतार मूवी लगी होगी शायद, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, बाकी डेकोरेशन दिखाती हूँ। अभी हम लोग वेजिटेबल वाले स्टोर में गए थे ना, तो वहाँ पे कीवी थी 22 की एक, और आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो सही था मतलब। तो हम लोग मूवी देखने के बाद उसे लेंगे, अगर भीड़ कम हुई तो। वैसे आज काफ़ी सस्ता लग रहा है माल, क्यों? 22 अच्छा है। बजे का टाइमिंग है मूवी की, और ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, फिर कभी देखेंगे। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा यार ना, हमने
क्रिसमस अच्छे से देखा, नया यहाँ पे मूवी का टाइम सही से बैठ रहा है, मतलब क्या ही करें, हो रहा है अब। आज का जो दिन है वो बहुत ही बेकार गुजर रहा है, क्योंकि ना हमने अच्छे से क्रिसमस देखा, ना कुछ, ना मूवी देख पाए, ना कुछ खा पाए ढंग का, और अभी घर ही जा रहे हैं। मॉल में भी वो अब कीवी के लिए हम क्या खड़े होते, एक कीवी के लिए, और लाइन भी बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, तो हम लोग अभी घर ही जा रहे हैं। तो गाइज़ हम लोग घर पहुंच गए हैं गाइज, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था गाइज और हमें बहुत टाइम लग गया था आने में, और फिर आज हमने ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है, जो भी था इतना ही था, बस हमने इतना ही किया। पहली बार तो हम चर्च घूमने गए थे और चर्च ही नहीं खुले थे आज, बताओ क्या फ़ायदा। फिर उसके बाद हम मॉल में भी गए, सेकंड हमारे पास ऑप्शन वही बचता है कि हम मॉल जा कर के कुछ देख के आ जाएं, कुछ नया हो रहा होगा। बस वहाँ पे ये था कि हमें सेंटा मिल गया था, और क्या चाहिए था, उसके साथ दो चार फ़ोटो खिंचा ली और वही थंबनेल में लगा लूँगी बस। तो गाइस आज का व्लॉग इतना ही था गाइस, होप आप लोगों को आज का व्लॉग बेकार लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग बेकार लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।